मैं स्टूडेंट हूँ। क्या है आपका प्रॉब्लम? मेरा पर्सनल अकाउंट है यहाँ, 3,05,000 बैलेंस है मेरा। अभी आके सुबह से खड़ा लाइन में, अभी बोल रहे कैश ही नहीं है बैंक में। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? रेगुलरली कितना भी ड्रॉ करें 50,000 रुपये कर सकते कहते, महीने में एक ही बार कर सकते कहते, वो भी एक महीने में खाली 50,000 कर सकते, बस निकाल सकते, बस खाली निकाल सकते। दाल कोई डालेंगा क्यों अभी? कुंडल रेड्डी, अभी हो रहा है क्या यार यहाँ पे? कुछ भी नहीं, जो जितने भी अकाउंट्स वगैरह है वो लोग ने सीज कर दिया। करंट अकाउंट के लिए ऑपरेट करने के लिए मना कर रहे हैं। डेली का जो लिमिट पहले सुनने में आ रहा था 50,000 है, अब वो लोग बोल रहे हैं कि वो भी नहीं है, मंथली 50,000 है। तो इस बेसिस पे बिजनेस कैसे करेंगे? अभी EMIs है, लोन्स वगैरह है, वो सब हम लोग कैसे उसको टेक केयर करेंगे? सिविल ख़राब होएगा, वो सब प्रॉब्लम्स है जिसके लिए ये लोग के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ भी पूछ रहे बोल रहे तो RBI बता रहा है करके ऐसा बोल रहे हैं। आपका क्या क्वेरी है गवर्नमेंट से? क्या गवर्नमेंट से कुछ भी हम लोग का क्या है, ये जो भी है इशूज़ है, पहले इंटीमेशन करके सॉल्व किए रहते तो और ईजी होता था। अनदर हार्ट ब्रेक जैसे डीमोनेटाइजेशन जैसे हुआ था वैसे ये भी हो रहा है, तो वही इशूज़ हो रहा है। अभी नेक्स्ट क्या करना है वही समझ में नहीं आ रहा है। अपना नाम बताओ। नवीन। आप क्या? अपना ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक्स है। क्या प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है? प्रॉब्लम मेरा ट्रांजेक्शन है, एवरी मंथ 30 लाख ट्रांजेक्शन होता, अपने को डेली ट्रांसपोर्ट में तो कैश देना पड़ता, सब प्रॉब्लम है। अभी मेरे अकाउंट में 20 लाख है करीब, अभी 1 रुपये भी नहीं आ रहा, मेरा पूरा कार्ड ही रुक रहा है। अगर में इधर पैसा नहीं है तो मेरा काम पूरा गंदा हो जाएगा, कुछ भी काम पे नहीं है। तो असर क्या हो रहा है आपके बिजनेस पे, असर कितना हो रहा है? अभी अभी इधर पैसा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता मार्केट में, कोई डीजल नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हो रहे। जैसा मोदी गवर्नमेंट या फिर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैशलेस ट्रांजैक्शंस को, हाँ मैं पूरा डिजिटल कर रहा हूँ, कैशलेस, अभी कैश नहीं ले रहा हूँ, पूरा डिजिटल कर रहा हूँ, कुछ भी नेट बैंक भी ओपन नहीं हो रहे। ओके, तो अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा? कुछ भी पॉसिबल नहीं। गवर्नमेंट से क्या चाह रहे? गवर्नमेंट जो लोग अभी मार्केट में इतने लोग हैं ना, बैंक में डिपेंड करते, पूरा डिजिटलाइज करने के कर दिया सब लोग। हाँ जो भी पहले बोल के करा तो अच्छा रहेगा, अपन दूसरा बैंक में अकाउंट खोलना, ये बैंक का प्रॉब्लम है तो बोलना चाहिए पहले। हम लोग को तकलीफ हो रही है, ये बैंक वाला से तकलीफ अपने ऊपर नहीं रहना, जो कस्टमर को ऊपर नहीं रहना, हम लोग छोटा मोटा तो खराबर करते, ये पूरा अभी मेरा पूरा रोड पे आएगा मैं इतना काम करे तो बराबर है ना। जो गवर्नमेंट जो ये है तो कस्टमर को तकलीफ नहीं देना, लोग भी तकलीफ नहीं देना, उन लोग का बैंक का उन लोग का लेना देना का तो उन लोग बात बिठा के बात करना, लेकिन कस्टमर को तकलीफ नहीं देना है। I am Rajkumar. So what is happening, sir? I don't know what is happening. I saw in the paper, I rushed to the bank. Nobody is giving clear picture. What will happen? Because it is my salary account. And the moment salary has come, we are not in a position to draw our salaries. And various we have to pay every month EMI and everything is there. But we are unable to do any transactions. So what is, there is a limit of 50,000 per month. Per month you can remove only 50,000. Nobody is giving clarity about whether it is per month or per day. That is. Okay, thank you. नाम बताओ। प्रदीप जैन। आपका क्या है, क्या काम करते हैं? मेरा केमिकल का बिजनेस है, कल्पवृक्ष केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट है मेरा यहाँ पे, यस बैंक में। ओके, तो क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पे अभी कोई कैश नहीं दे रहा है, ना ट्रांजेक्शन हो रहा है, सुबह से कोई बिजनेस हमारा, मेरा ऑलरेडी 4 डील कैंसिल हो चुका है बिजनेस में, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप क्या चाह रहे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी एक्शन ले इसके ऊपर, और पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके लिए जल्दी से जल्दी एक्शन ले। ये बिमल कुमार जैन। आप काम क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है भैया। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है भैया? हमारा एक्चुअली में कंपनी का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, उसमें जमा डिपॉजिट वगैरह है, अभी हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी को पार्टी को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, हम लोग कैसे करें एक्चुअली में? या तो एक काम करो, गवर्नमेंट हमको सुसाइड करवा दो, ख़त्म कर दो, हमको पॉइजन दे दो, हम लोग मर जाते हैं, अच्छा रहेगा, क्या कर सकते हम लोग, परेशान हो रखे हम लोग। क्या चाहते गवर्नमेंट? क्या चाहते गवर्नमेंट? क्या इस तरह एक्शन ले रहे बार बार, क्या करे चुन में? उन लोग को अडानी को, मुकेश अंबानी को, उन लोग कर्ज माफ हो जा रहे हैं और हम लोग पब्लिक को मार दे रहे हैं। पब्लिक चाहते हैं, सब पब्लिक चाहते हैं कि भैया अपना क्लियरेंस हो ठीक से, गवर्नमेंट अच्छा से चलाए ताकि पब्लिक को परेशानी नहीं हो, जल्द से जल्द सॉल्व करो इसको भैया, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। जो लिमिट लगाया है कि 50,000 पर मंथ निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं भैया, एक चीज बताइए बिजनेसमैन के लिए 50,000 क्या होता है? खुद सोच के देखिए, गवर्नमेंट को वहाँ पे नेता लोग बैठे हैं, उन लोग के हर चीज का छूट मिल जाता है, और यहाँ पे पब्लिक को 50,000 का मिलता है, 50,000 क्या होगा? खुद सोच के देखिए, बिजनेस में आज नॉर्मल से किसी को पेमेंट देना पड़ता है 1,00,000 रुपया का, कोई 1.5 लाख का, कोई 2 लाख का चाहिए, कहाँ से देंगे हम लोग? पेमेंट नहीं देंगे तो मेटल नहीं दे रहे हम लोग को।
भी डिजिटलाइजेशन करे बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऐसे फ्रॉड काम करेंगे पब्लिक के साथ पैसा नहीं मिलेगा। एक्चुअल में हम लोग ये नहीं चाहते पैसा हम लोग मत दो, लेकिन ट्रांजेक्शन तो कम से कम पास करो, चेक जैसे चेक क्लियरेंस है वो पास करो, वो पास नहीं हो रहा है तो हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे। खुद सोच के देखिए चुन में, आज कोई हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई बच्चा फीस है या कोई एनीवन कोई भी तकलीफ हो सकता है तो उस टाइम कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं डिजेशन करो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ में चेक क्लियरेंस है और क्लियरेंस है वो सब क्लियर होना चाहिए बराबर में। मेरा नाम है जितेंद्र शाह। क्या करते हैं? मैं रिटायर पर्सन हूँ। ओके, अच्छा यहाँ पैसे लगा हुए हैं 3-4 लाख रुपया पड़े हैं। आज बम्बई जाना था मेरे को पैसे के लिए, विड्रॉ के लिए आए तो पैसे नहीं है आज बैंक में। अभी से अगर गवर्नमेंट को कोई भी स्टेप लेना है तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा पब्लिक को टाइम दे के लेना था। सडन बंद कर दिए पैसे, जिसका 5-5-10 लाख रुपया पड़ा है उसको थोड़ा इंटीमेशन देना था कि भाई ये बैंक थोड़े दिन में बंद हो जाएंगी, 4-5-15 दिन टाइम देके बंद करना था बैंक, एकदम सडन क्यों बंद कर दिए। आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा जल्दी, जब तक संभाल पाएगी पब्लिक? अब वो पब्लिक कैसा संभाल पाएंगे यार, हर एक को पैसे चाहिए, लाइफ लाइन पैसा है आदमी का। अब क्या चाह रहे गवर्नमेंट से, क्या चाह रहे? अब जब का जब कुछ ना कुछ फंड डाइवर्ट करके इसमें रिलीज करो, जो मीडियम लोगों का पैसा है, मिडिल मैन का पैसा है उनको जल्दी दो, 2 लाख 5 लाख वालों को जल्दी फटाफट दो, जब भी उनका काम चलेगा, छोटे लोगों का धंधा रुका हुआ है।